हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इम्पॉसिबल फन में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेस्टीज इंडक्शन कुक टॉप को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसको कनेक्ट कर देंगे, फिर इसका स्विच ऑन जैसे ही करेंगे वैसे ही यहाँ पे अपनी लाइटिंग ऑन हो जाएगी। ये अभी ऑन नहीं हुआ, सिर्फ पावर आ चुकी है इसमें। अब हम इसको सीधे नॉर्मल तरीके से, जैसे फिंगर, मैंने पहले ही बताया था ये फिंगर टच से काम करता है, इसको नॉर्मली टच करना है, ये चालू हो जाएगा। अब इसके बाद अब हमको मेनू पे टच करेंगे वैसे ही ये चालू हो जाएगा, लेकिन ये एरर कोड E0, इसका मतलब इसके ऊपर हमने अभी कोई भी बर्तन नहीं रखा है, तो इस वजह से ये E0 एरर कोड दिखाता है। अब जैसे ही हम बर्तन रखेंगे, इसके बाद ये चालू हो गया। हम इसको चाहे तो माइनस नॉर्मली टच करना है, ये देखिए नॉर्मल 120 पे है ये। हम चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब इसके बाद अगर हमको ये बर्तन, अगर ये हमको चेंज करना है, तो हम इसको मेनू दबाएंगे, जैसे अभी कुकर पे ये आ गया, कढ़ी पे आ गया, जैसे आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट टच नहीं करता, ये मेनू से ही चलता है। जैसे कैरी पे आ गया, इसके बाद हमको डोसा पे आ गए, इडली पे आ गए, जो कुछ भी कर रहा है ये पुश का है। जैसे ये अभी ज़्यादा हो चुका है, इसको पुश करने के लिए ये पुश हो गया। अब ये जब तक नहीं चलेगा जब तक हम चला नहीं देंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही इसको यूज करना है। ये माइनस घटाने के लिए है, ये प्लस बढ़ाने के लिए, ये कीप वार्म रखने के लिए, ये नॉर्मल चलता रहेगा, नॉर्मल 120 पे ही ऐसे ही हीट पकड़े रहेगा। 2 मिनट का इसमें वो लग गया है, टाइमर चाहो तो टाइमर लगा सकते हो 30 सेकेंड। आपको फिर अगर बंद करना है तो आप इससे बंद कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, बंद करने के 3 मिनट बाद ही इसको प्लग से निकालें। डायरेक्ट मैन स्विच से कभी भी ऑफ नहीं करें। बर्तन या तो मेटल का होना चाहिए या फिर स्टील का। अब जैसे मेरे पास एक ये है, इसको मैंने रखा, ये शायद एल्यूमिनियम है इस वजह से, तो इसको चालू करके देखते हैं क्या होता है। मेनू पे आए, ये आ गया, ये देखिए E0 दिखा रहा है, इसका मतलब ये मेटल नहीं है, ना ही मेटल है और ना ही स्टील है, इस वजह से ये एरर दे रहा। अभी इसी को हटा के अगर हम ये स्टील है, इसको अगर रख देते हैं तो ये चालू हो जाता है, तो जैसे ही इसको हटा देंगे ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। गरम में बिल्कुल भी कभी भी साफ नहीं करें इसे, जब ठंडा हो जाए, बंद हो जाए, तभी इसमें हल्का सा गीले कपड़े से लेकर इसको साफ करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था प्रेस्टीज इंडक्शन कुक टॉप पिक 15.0+ मॉडल के बारे में अभी मैंने बताया है आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।